हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार और जियो सिनेमा के बारे में। तो भाई लोग, पुनीत स्टार के फैन ने और सोशल मीडिया के पावर ने ये बता दिया कि अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जियो सिनेमा एप्लीकेशन रेटिंग के बारे में। अब दोस्तों आप सबको बता दूं कि जब जियो सिनेमा पर IPL मैच शुरू हुआ था, तब उस वक्त इस एप्लीकेशन में जियो सिनेमा एप्लीकेशन के 4.5 से 7K तक रेटिंग पहुँच गयी थी, क्योंकि उस टाइम इस एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाल दिया गया और MC इंस्टेंट ने पुनीत स्टार को क्रिंच कंटेंट बोल दिया, जिसकी वजह से काफी लोगों का गुस्सा MC इंस्टेंट के ऊपर, बिग बॉस के ऊपर, सलमान खान के ऊपर और जियो सिनेमा एप्लीकेशन के ऊपर भी देखने को मिला था। MC इंस्टेंट ने क्रिंच कंटेंट बोल दिया था लॉर्ड पुनीत के कंटेंट को, जिसकी वजह से MC इंस्टेंट को भर भर के गालियां पड़ी कमेंट सेक्शन में और उनके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कम होने लगे। वहीं बिग बॉस को बायकॉट बैन होने की बात होने लगी थी सोशल मीडिया पर और सलमान खान को भी उनके कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया पर काफी लोग हेट दे रहे थे। वहीं अगर हम बात करें जियो सिनेमा एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग थी 4.7-4.5 थी। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं प्ले स्टोर पर जियो सिनेमा की रेटिंग 2 दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों अभी एक बड़ी बात निकल कर आई है कि इस एप्लीकेशन की रेटिंग प्ले स्टोर पर 1.2 हो गई है। और यह है लॉर्ड पुनीत का पावर, यह है लॉर्ड पुनीत के फैंस का पावर, और उनके फैंस ने करके दिखा दिया कि अगर वो लॉर्ड पुनीत के लिए चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने 4.4 से डायरेक्ट 1.2 रेटिंग कर दी है जियो सिनेमा एप्लीकेशन। फिलहाल दोस्तों बिग बॉस ने लॉर्ड पुनीत को तो निकाल दिया, लेकिन अभी हमारे फेवरेट फुकरा इंसान अभी बिग बॉस में है, लेकिन हमारे हिसाब से तो फुकरा इंसान को बिग बॉस जीतना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है और आपका फेवरेट कौन है, आप हमें जरूर बताइएगा। और इस बार बिग बॉस में विनर किसे बनना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।